लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है ये हम इस सेशन में पाकिस्तान नेशनल बायोसेफ्टी रूल 2005 के मुताबिक पढ़ेंगे। नाउ इन पाकिस्तान नो बडी इज़ अलाउड टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल और परचेज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और एनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स एंड सब्सटेंसेस विदाउट गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम द फेडरल एजेंसी। फेडरल एजेंसी से लाइसेंस लिए बगैर किसी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और सब्सटेंसेस की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, परचेज या किसी किस्म की भी ट्रेड कर सके। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन फेडरल एजेंसी को सबमिट कराए विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, और एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद अगर एप्लीकेंट की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और लाइसेंस ग्रांट हो जाता है, उसके बाद भी एप्लीकेंट अपनी इंफॉर्मेशन कोई ऐड करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी या फेडरल एजेंसी को इन्फॉर्म करे। इसके अलावा अगर लाइसेंस मिलने के बाद कोई और इन्फॉर्मेशन जो कि वो नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी को या फेडरल एजेंसी को देना चाह रहा हो तो वो दे सकता है। जैसे कि फील्ड वर्क में जाके एप्लीकेंट को पता चला कि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं तो उस स्टेज पे वो इन्फॉर्मेशन नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी को प्रोवाइड कर सकता है ताकि जिन सर्कमस्टांसेस में वो काम करना चाहता है या जो सर्कमस्टांसेस इजीली अवेलेबल हैं या जो सर्कमस्टांसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल हैं वो तब्दीली अपनी एप्लीकेशन में ला सके। इसके अलावा अगर साइंटिस्ट या रिसर्चर को ये पता चले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद उसका पैथोजेन बायोरिस्क लेवल 4 को डील कर रहा है तो तब भी नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर रेडिकेशन हो सके एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड ऑल्सो एट ए नेशनल लेवल। सो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल पाकिस्तानीज इफ दे वॉन्ट टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल एंड परचेज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। फॉर दैट दे ओनली हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द फेडरल एजेंसी बिकॉज दे ग्रांट द लाइसेंस अंडर रूल 11। एंड इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट वॉन्ट टू प्रोवाइड आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस देन दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन अगेन टू ब्रिंग इन नोटिस द नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी एंड फेडरल एजेंसी दैट दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट।